तो और यार क्या हाल चाल है यार। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ आप ड्रॉप वेपन मिनट ड्रॉप के कैसे ले सकते हो। आपने थंबनेल में यही देखा होगा लेकिन भाई ये चीज़ 100% फेक है। लेकिन भाई मतलब वीडियो मत छोड़ो, गाली मत दो, बात तो सुन के जाओ। मतलब कि मैं आपको ड्रॉप से भी अच्छे वेपन्स बताने वाला हूँ जो कि आपको वेरेंगल मैप के अंदर वेरेंगा मैप के अंदर पड़े हुए मिल जाएंगे बिना ड्रॉप के। तो उन सब के आगे यार कंपैरिजन में बता देता हूँ क्या है। तो देखो भाई, पहला अपनी जो सबसे पावरफुल गन है AWM, हाँ उसको अगर आप सोच रहे हो कि मैं कंपैरिजन करूँगा उससे, क्या नाम है उसका, K98 का, तो भाई K98 तो उससे कद्दू भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसका कंपैरिजन करेंगे हम M24 से। अगर आपको AWM नहीं मिलती ना तो भाई आप M24 भी चला सकते हो। M24 बहुत तबाही गन है। और अगर आपको AWM मिलती है तो यार आप AWM ही चलाओगे। लेकिन अगर आपको M24 नहीं मिलती ना, क्योंकि मेरे को पता है M24 बहुत रेयर गन है, बहुत मुश्किल से मिलती है, एक बार को आपको AWM मिल जाएगी लेकिन M24 नहीं मिलेगी, तो यार M24 की जगह ना अगर आपका एम अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छी है और डिस्टेंस मीटर मतलब आपको सब समझ में आता तगड़े वाला, तो आप ना M24 की जगह क्रॉसबो भी उठा सकते हो। मानते हो बहुत भिखारियों वाली चीज़ बोल दी मैंने, लेकिन आप उठा सकते हो। चलो भाई अगली गन के बारे में बात करते हैं। तो यार अपनी जो अगली गन है ना, वो अपनी अगली गन है M249। अब M249 की जगह लेने वाली है तीन गने। अब M249 में सबको पता है 100 गोलियाँ रिलोड होती है, लेकिन और किसी गन में 100 गोलियाँ रिलोड नहीं होती, सब में 50 ऐसी गोलियाँ रिलोड होती हैं। तो भाई देखो, जो तीन गन है M249 की जगह लेने वाली है ना, पहली उसमें आती है DP28। भाई DP28 आराम से जगह ले सकते हैं K98 की, वो M249 की, क्योंकि उसके अंदर 47 गोलियाँ रिलोड होती हैं। अब आप बोलोगे DP हमें पता है, बाइसियन पता है, अगली कौन सी गन है? भाई जो अगली गन है ना उस पर ना आपको मतलब एक्सटेंडेड SMG मैगजीन लगानी पड़ती है, तब जाके उसमें 50 गोलियाँ रिलोड होती हैं। और जो अभी मेरे हाथ में है ना वही गन है थॉमसन। ये थॉमसन अकेली ऐसी गन है ना जिसके अंदर एक्सटेंडेड मैगजीन लगा दो तो यार ये 50 गोलियाँ रिलोड करने लग जाती है। और साथ के साथ थॉमसन का डैमेज M4 जितना है, मतलब थोड़ा M4 से ज़्यादा ही है। तो भाई थॉमसन को कम मत समझो, बस इसकी आयरन साइट बहुत बेकार है। मैं बहुत समझता हूँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, इसके आयरन साइट बेकार है, बाकी सब बढ़िया है। तो जो अपनी अगली गन है ना, अपनी अगली गन का जो नाम है भाई, वो सुन के तो आप यार कतई मतलब झूम उठोगे कि यार RPG वाली जो गन है ना उसका कंपैरिजन मैं बताऊँ किससे कर रहा हूँ। भाई देखो RPG वाली गन का कंपैरिजन किसी भी गन से नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके अंदर अच्छे IQ हैं, अच्छा मतलब आपकी गेम खेलने की एक्यूरेसी है, तो आप RPG का कंपैरिजन सिर्फ एक नेड से कर सकते हो। बस RPG का कंपैरिजन सिर्फ एक नेड से हो सकता है। तो यार अब रही बात ना MK14 और ग्रोजा की, तो भाई जो MK14 है और ग्रोजा आपको पता ही है कितने हाई डैमेज गन है। तो जो ग्रोजा और ग्रोजा और MK14 है ना, इसका कंपैरिजन सिर्फ आप S12 के से कर सकते हो। S12 के वाले के सामने भाई चाहे MK14 लेके जाओ चाहे ग्रोजा लेके जाओ, S12 के वाले को दो फटके मारने, नहीं दो नहीं तीन फटके मारने आपके मुंह पर, आप छिद जाओगे पूरा। अगर आप नहीं समझे तो मैं फिर से डिटेल में बताता हूँ। S12 की एक अकेली ऐसी मात्र गन है जिस मतलब कि उसके सामने MK14 वाला भी नहीं टिक सकता, ना ही ग्रोजा वाला टिक सकता है, क्योंकि आपको उसका डैमेज पता ही है S12K का, और क्लोज में उसका एम असिस्ट इतना तगड़ा हो जाता है ना, बस कोई भी नहीं मार पाता। तो जो S12K है उसका भाई मैंने कंपैरिजन सिर्फ इस वजह से करा क्योंकि उसका अकेली का डैमेज इतना ज़्यादा है, और जो अपनी MK14 है उसकी रिकॉइल इतनी ज़्यादा है कि बस दूर रेंज में तो आप स्प्रे तो कर ही नहीं सकते, और ग्रोजा की भी आपको रिकॉइल पता ही है कैसी है। इसलिए मैंने इन दोनों का कंपैरिजन शॉर्ट रेंज और क्लोज रेंज के लिए करा था, और S12K भी क्लोज रेंज के ही काम आती है। तो अपनी जो फुल फाइनल लास्ट गन है ना ऑग का कंपैरिजन सिर्फ एक ही गन से हो सकता है। ऑग का कंपैरिजन हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक M4 या स्कारल से हो सकता है। अब आपको तो पता ही है यार M4 और स्कारल, इन दोनों गनों में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। स्कारल के अंदर डैमेज ज़्यादा है लेकिन रिकॉइल भी ज़्यादा है, लेकिन M4 के अंदर थोड़ा डैमेज कम है तो उसके अंदर रिकॉइल कम है। तो भाई मर्जी आपके, आपको क्या यूज़ करना है। अगर आप मिड रेंज मतलब क्लोज फाइट के लिए M4 उठाते हो तो भाई M4 छोड़ दो, स्कारल उठा लो। अगर आप लॉन्ग रेंज पर थोड़ा स्प्रे करने के लिए उठाते हो तो आप स्कारल छोड़ो, M4 उठा लो। तो यार होप्स हो कि आप समझ गए होगी कि कौन सी गन सबसे बेहतर है। और लेकिन अभी मैं आपको जो गन बताऊंगा ना वो सबसे तबाहीदार है, उससे तबाहीदार कोई गन है ही नहीं आज तक।
सॉरी ये पागलबंदी करने के लिए। अब जो सबसे तबाही गन है वो है भाई फ्लेयर गन। फ्लेयर गन अकेली एक ऐसी गन है जिसको आप अगर जोन के अंदर हवा में चलाओगे तो आपको सारे ड्रॉप वेपन्स मिल जाएंगे। और जो अपनी सॉरी और जो फ्लेयर गन के अंदर अगर आप फ्लेयर गन को बिना जोन में जाए चलाओगे तो आपको सबसे पावरफुल व्हीकल मिल जाएगा जिसको BRDM कहते हैं, और उसको मोटा कछुआ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बिल्कुल कछुए जैसी है। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो यार इस वीडियो पर लाइक कर देना। और जो यार आपको मैं इतने टाइम से कह रहा हूँ भाई कर दो, आप कर ही नहीं रहे। और भाई मेरे को एक ग्लिच समझ नहीं आ रहा यार, मेरे चैनल पे 39 सब्सक्राइबर्स थे, अब मेरे 32 सब्सक्राइबर्स कैसे हो गए? जिसने भी अनसब्सक्राइब करा बता तो दो यार, मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, मैं पता तो चले भाई साहब, मैं डर जाता हूँ कहीं यूट्यूब वाले साले मेरा करना दे, वो काटना दे मेरा। तो चलो आज की वीडियो में इतने ही, और यार मेरा गोल है 50 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो। स्पेशल मॉन्टाज आने वाला 50 सब्सक्राइबर्स का जो कि मेरे कचरे से बना। एज ऑलवेज गुड बाय।